पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री समेध शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैयावृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिश्य पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC BARB0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 70110 14812। कोई आपसे कितना भी अच्छा बोलता हो, आपको कभी कभी लगता है चला जाए मेरे सामने से, और कभी कभी कोई कर्कश भी बोलता हो तो भी लगता नहीं बोलने दो, अपने हैं अच्छा चाहते हैं, क्योंकि आपकी सद्भावनाएं आपके ओरा को, आभा मंडल को प्रभावित करती हैं। और जिस दिन, अभी तो तुम सब ऊपर ऊपर से भक्ति कर रहे हो, जिस दिन से वास्तव में तुम सहज सरल शुद्ध, तुम्हें ये लगेगा कि ये चेतना धन कमाए धन आता गए। ध्यान रखना, पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और वरना कहते हैं भव भव भ्रमे बेल की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। पैसा कमा सकते हो तुम, लेकिन विचार करना, तुम्हें जो अमीर आदमी बहुत सुखी नजर आ रहे हैं उनसे पूछो, रात को बेचारों को नींद तक नहीं आ रही, भूख तक नहीं लग रही, चिंता में टेंशन में आके डिप्रेशन में आ गए। अमेरिका को संपन्नशाली मत समझना, 80% नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, लेकिन हम डिप्रेशन में जीते हैं, क्योंकि एक उम्र तक दौड़े थे काम भोग के लिए, अब शक्ति खत्म हो गई, अब कोई पूछता नहीं, दौड़ नहीं रहा तो डिप्रेशन में नहीं मरेंगे तो क्या मरेंगे। हम भारत वाले बुढ़ापे में कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है कि हम सिर्फ इंसान के चोले में भगवान बनने के लिए आए हैं, हमने ये स्वास्थ्य भोगों में नहीं योगों में गुजारना है, इस साधना को इकट्ठे करने में नहीं, साधना से परमात्मा परम आराधना में परिवर्तन करना है। ये श्वासें तो हर कोई लिया करता है, तुम जन्मदिन को विशेष मानते हो, जन्म तो निगोदिया को भी मिलता है और तुमसे ज़्यादा मिलता है, सबसे बड़ी बात है तुमसे ज़्यादा मिलता है। तुम एक जन्म के लिए खुश हो रहे हो, उसको तो एक क्या कहते हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मिलता है। अभी ज़्यादा जन्मदिन मनाओगे तो वहीं जाओगे। लोग कहते हैं 50वीं शादी की सालगिरह मना रहे, हमने कहा अब शमशान जाने के दिन आ रहे, अब शादी की सालगिरह ही मनाते रहोगे। सच पूछो, मैं मना नहीं करती कि तुम शादी की सालगिरह मत मनाओ, लेकिन कहती हूँ नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, तू ऐसी लकीर पैदा कर
जिस पे जमाना चल सके, तू ऐसी जमीर पैदा कर जिसे जमाना याद कर सके। तुम 50वीं शादी की सालगिरह मनाओ, लेकिन कैसे मनाओ? धर्म आराधना के पूर्वक मनाओ, इतना बड़ा अनुष्ठान कराओ कि तमाम लोगों को एक प्रेरणा मिले और तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी अगले बार इंद्र इंद्राणी के रूप में मिले कि वहां जाते ही तुम्हें परम आराधना का मौका मिले, तुम्हें परम आराधना का मौका मिले। ऐसा काम करो, अभी तुम मंदिर आओगे बुढ़ापे में, खटिया पर डले डले कोसते रहोगे, भगवान अब कौन कराएगा दर्शन? ऐसा काम करके जाओ कि अंतर मुहूर्त में तुम्हें दर्शन हो जाए, और वो भी सम्यक दृष्टि देव बनकर दर्शन हो जाए। मिथ्या दृष्टि देव बनकर नहीं, जैसे अभी कहते हो जैन हो तो मंदिर तो जाना चाहिए, हमने कि जैन होने के मंदिर नहीं जाना चाहिए, जिन होने के लिए मंदिर जाना चाहिए। जैन होने के नाते जाते तो फिर मुसलमान मस्जिद जाता है, क्या बुराई है? सिख गुरुद्वारे जाता है, क्या बुराई है? और हिंदू शंकर जी को जल चढ़ाता है, क्या बुराई है? क्योंकि जाति से जो धर्म मिला है, हम जाति से कोई धर्म लेकर आए थे क्या? लोग कहते हैं माता जी हम जैन हैं, हमने कही हम जैन धर्म में जन्म मिला, हमने कि जैन धर्म में कहीं जन्म मिलता है क्या? अरे इंसान के अंदर धर्म उत्पन्न हो जाए तो मर कर जरूर जैन हो जाओगे, पैदा होते हुए जैन नहीं आए थे तो मर के जैन हो जाओ, प्रमाण पत्र दे जाओ मरते समय। ये पक्की बात समझना, किसी ज्योतिषियों से हाथ की लकीरों के लिए मत पूछना, क्योंकि कहते हैं जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन से कभी उदास मत होना। हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। गाड़ियों में घूमने का शौक मत रखना, कुत्ता भी घूम लेता है, ध्यान रखना। दूध जलेबी और ब्रेड खाने का शौक में अपने आप को सहनशाह मत समझना, वो कुत्ते को गधे को घोड़े को भी मिल जाते हैं। पहले आदमी की पहचान धर्मात्मा से होती थी, आजकल आदमी की पहचान कुत्ते से होती है। बोले एक बार मैंने किसी का नाम बोला तो कोई बता नहीं पा रहा था, फिर एक बच्चा बोला वही वाले अंकल जिनके दो कुत्ते पले हैं। हमने कि बताओ इंसान की कोई पहचान नहीं, उसकी कुत्ते से पहचान है, आदमी कुत्ते ही जैसा हो गया है। और सब पूछो कुत्ते में भी कुत्ता ही नहीं होती है, कुत्ता भी पूरा अच्छे से कुत्ता नहीं होता, वो पिल्लू की तरह होता है, कोई आए तो भौंक के घर के पलंग के नीचे बैठ जाता है। हमने एक बार बोला कि हमने कि क्यों ये ऐसा कुत्ता क्यों पाल रखा है, वो पता ही नहीं चलता आगे से मुंह है कि पीछे से, समझ गए? तो वो बोले नहीं माता जी वो कुत्ता अच्छा लगता है। हमने कि तुम्हें यही बनने का इरादा है क्या? अरे ये सब नहीं, बुढ़ापे में उस समय सांसों का पता चलेगा जब वेंटिलेटर पर होगे, एक एक सांस तुम्हारी उस धन से, जिन सांसों को तुमने धन कमाने में लगाया था उन्हीं पैसे से ये सांसें बचाने में लगा दोगे, पहले ही अपनी सांसें परम संपत्ति को, अक्षय संपत्ति को, अनंत चतुष्टय की संपत्ति को कमाने में लगाया होता तो बाहर तुम्हें समोसरण की विभूति प्राप्त होती। तो ध्यान रखना अपने आभा मंडल को। लोग कहते माता जी वो वहाँ मरे हैं, हमें यहाँ पे सूतक क्यों लगता है? हमने कहा संप्रेषण होता है, परिणामों से परिणामों के तार जुड़े होते हैं, और 3 दिन तक उसका आभा मंडल पूर्ण छीण नहीं होता है। आपको पता है धीरे धीरे, जैसे आपको पता है कोई चक्की चल रही हो तो वो थोड़े 1-2 मिनट घूमती है। पूर्व आपने दत्तवार सूत्र में 10वें अध्याय में पढ़ा है, लेकिन वो क्या है कि पूर्व स्मरण से वो जो आभा मंडल उसके घर में व्याप्त है, उसके परिवारों से जहाँ संबंध है वहाँ भी उसे संप्रेषित करेगा। ये बात अलग है कि आदमी आजकल पत्थर दिल हो गया, जीते जी रिश्ते नहीं निभा रहा, मर के क्या निभाएगा? इसलिए 3 दिन में उसका पूरा आभा मंडल क्षीण हो जाता है। एक बाप मर रहा था तो 4 बेटे थे, बड़े ने कहा पिताजी को कैसे ले जाएंगे, मरा नहीं था बाप बेचारा। सोचो अब आप सोचो आपका बेटा यदि ऐसी बातें कर रहा हो, करेगा ही, जब आखिरी टाइम होगा तो करेगा ही कि डॉक्टर साहब कितना टाइम और लगेगा,
सोचना आपने ये कहा था कि भगवान मेरी उम्र मेरे बेटे को लग जाए, वही बेटा इसी मंदिर में आकर कामना करेगा कि परमात्मा पिताजी की मिट्टी जल्दी समेट ले। हमने कहा भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या, इतनी सड़ी गली मिट्टी ले जाएगा जो यहाँ भी किसी काम की नहीं बची। तो बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी को कैसे ले जाना। लोगों ने तीनों ने पूछा कि आपस में बताओ कैसे ले जाना। तो एक बोला कि अपनी घर की गाड़ी में ले जाएंगे, दूसरा बोला नई गाड़ी आई है खामोखा में धुलवाना पड़ेगी। तो बोले कोई नहीं किराए की बुलवा लेंगे, दूसरा बेटा बोला किराए की बुलवा लेंगे, तीसरा बोला पागल है ये तो मर ही रहे अब काय को इतना पैसा भी लगाएगा। तीसरा बोला कि कोई बात नहीं एक ठेला बुला लेंगे तो वो 5-6 रुपया लेगा, वो ठेला में डाल के 4 पहिए में ले जाएंगे। तो चौथा बेटा बोला कि काय के लिए उसको भी, हाँ ये नगर पालिका वाला ट्रॉली पड़ी है ना उसी में डाल के ले जाएंगे। बाप जिंदा था, बोला लाओ मेरी चप्पल उठाओ मैं वहीं जाके मरूंगा, मैं शमशान में जाके ही मरूंगा। आपको लग रहा होगा आपने जितना पैसा कमाया होगा बेईमानी से आखिरी में तड़प तड़प कर सारा लग जाएगा, इसलिए वो पैसा कमाना जो अगले भव में तुम्हें इंद्रों का पद दिलाए, और इंद्रों का पद नहीं वो वंदनीय पद दिलाए जो तुम भी इंद्र हो जाओ, क्योंकि इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, समझ गए, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तो दुनिया को देखकर अंदाज लगाना कि आज अखबार में किसी की खबर आई है, एक दिन मेरी भी अंत्येष्टि की खबर आएगी। लेकिन भोगों की अति की इति कर दोगे, समझ गए, तो अंत्येष्टि सही होगी। वरना लोग कहते हैं उनका संस्कार करने जा रहे, हमने कहा जीवन भर में अच्छे संस्कार एक भी नहीं आए, अब मर के क्या संस्कार होंगे मिट्टी के। तो ध्यान रखना अपने जीवन को चिलम नहीं बनाना जो खुद का और दूसरों का कलेजा जलाती है, अपने जीवन को मंगल कलश बनाना जो पानी भर दे तो सिर पर रख दी जाती है, और यदि पानी लेकर पी लिया जाए तो प्यास बुझाती है। आप सब का जीवन चिलम नहीं मंगल कलश बने। तो इन्हीं स्वभावनाओं से सिरसागंज वो समाज है जिसमें कि करीब 2 महीना मेरे को इटावा चतुर्मास होना था, और वहाँ के रफरिया साहब आए अध्यक्ष जी बड़े बुजुर्ग हैं, और कहने लगे माता जी आपके संघ की माता जी हमारे यहाँ आई हैं, आप सिर्फ वेदी प्रतिष्ठा में चलिए। हमने भी सोचा कि बहुत दिनों से नहीं मिले, 6 साल से चलते, और वहाँ जाकर कहने लगे आपका चतुर्मास कराएंगे। हमने कि हम तो नहीं करेंगे, कैसे भी नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ। तो कहने लगे क्यों, हमने कहा नहीं। तो फिर हमारा बिहार हो गया, हमको तो बिहार करना ही था, उन्होंने कैसे करके उन माता जी का चतुर्मास आगरा करा दिया, मेरा चतुर्मास इटावा फाइनल ही था। तो हमने उनसे बोला कि आप क्या नहीं करेंगे, तो एक संजय मंत्री करके रफरिया परिवार से संजय और इंद्रभाना दी, तो रोज आते थे, कहने लगे हमने उनसे एक दिन कहा तुम लोग क्यों आते हो, कहने लगे चतुर्मास मत करना लेकिन आने से तो नहीं रोक सकते हो। हमने कहा ठीक है आने से नहीं रोक सकते हैं। फिर जिस दिन हमें सौरीपुर में चतुर्मास का निर्णय करना था, बोले क्यों नहीं करोगी, हमने कही उस टाइम इनकी धर्मशाला बन रही थी, बहुत बड़ा कॉलेज है, आप ध्यान रखना 24 समोसरण और प्रतिदिन रात को 5-5 बग्घियाँ आती थी, और इतना बड़ा समोसरण इनके यहाँ लगा है, बहुत बड़ा वो 24 समोसरण का, और MD कॉलेज में बहुत बड़ा कॉलेज है इनके यहाँ। तो ये लोग कहने लगे आपको रुकना पड़ेगा, हमने कही मेरे हिसाब की धर्मशाला में कमरे नहीं, मुझे 5-6 कमरे चाहिए। तो वो लोग कहने लगे माता जी 5-6 कोठियाँ दे दें तब तो चलेगा, आप समझिए दिल ऐसा, कहने लगे 5-6 कोठियाँ दे दें। हमने बोला नहीं हमारा चतुर्मास तो फाइनल है, कहने लगे फाइनल तो है लेकिन आज तो घोषणा तो आप आज करोगी। तो दोनों जगह से 2-2 बसें आई थी और एक जगह से 5-6 गाड़ियाँ थी। अब इनके यहाँ से सौरीपुर बहुत पास में है, तो हम बोले कि जिसके यहाँ से ज़्यादा संख्या होगी वहाँ हाँ करेंगे। तो जो
बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग, वो कहने लगे माता जी सामयिक के बाद ही तो करोगी घोषणा। हमने कही हाँ, अब मुझे इतना पता नहीं था कि दिमाग इनका इतना चलता है। कहने लगे ये सब 54-58 भी लाए हैं, हम इनसे चौगने नहीं हो जाए एक घंटे में तो बता देना। यानी वहाँ से गाड़ियाँ बसें लगा दी उन्होंने और जैन अजैन सबको बुला लिया, तो चौगने हो गए। फिर मैंने बोला आज घोषणा नहीं करूँगी। तो बोले कब करोगी? हमने कि महाराज जी पास से बुलाएंगे तब करेंगे। तो कहने लगे कि कोई बात नहीं, हमारी गाड़ियाँ जाएंगी, इनको जितने बैठाना है वो हमारी गाड़ियों में बैठा, और हम महाराज जी से लिखित में लेकर आएंगे आपका चतुर्मास। मुझे पता था कि इनकी बहुत पहुँच है, मैंने आचार्य श्री इनके आगे तो फिर किसी को बोलेंगे ही नहीं। लेकिन आप ध्यान रखना, जिस समय मैंने कहा तो इनके यहाँ जो कुरावली जहाँ चतुर्मास होना था वहाँ के मंत्री की लड़की, यहाँ इनके यहाँ के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली में रहते हैं, उनके लड़के को ब्याही, और एक इटावा की लड़की भी उनके घर में ब्याही है। तो उनने अपने समधियों से कहा कि आपने लड़कियां देकर मेरा घर बसा रखा है, अब माता जी को मेरी झोली में डालकर मेरी बात पूरी कर दो। वो लोग दोनों रोने लगे, कहने लगे माता जी, बोला ना जी बहुत बड़ी हंसती है। वो कहने लगे माता जी हम लोग तो राई हैं तो पर्वत हैं, इनने जब हाथ जोड़कर हमसे मांग लिया तो हम अभी से ये कहते हैं कि ये चतुर्मास इनको होने दो। लेकिन सबसे अच्छी बात ऐसी थी, पूरे शहर में माइक लगे थे, और सबसे बड़ी बात थी कि हलवाई नहीं बैठा रखा था। लेकिन यदि 120 लोग आए और यदि बाई चांस 100 लोग खाने जाएं, तो ध्यान रखना, ये कहते थे 20 अभी अंदर हैं, 20 अभी आपके यही हैं, रात को दूध पीने के लिए घर घर बुलाने, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत बढ़िया समाज है। और ध्यान रखना यदि रात को भी 50 आए और यदि 49 गए, तो इनको याद रहता था कि अभी 49 आए हैं, एक अंदर है उसको भी भेजो। तो बहुत बढ़िया समाज है।